सो हे गाइज, वस्सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का जो कंसेप्ट है आप हमारा वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज, यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि यार आप सभी को ऐसी ऐसी मस्त मस्त एडिटिंग आप सभी के सामने आती रहती है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले आप सभी को करना है क्या, पहले इस बैकग्राउंड को आप सभी को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। एंड इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप सभी को सिंपली ड्रॉ टूल के अंदर जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को अगला स्टेप क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड मैं आप सभी को पहले बता दूं यार कि मैंने ना अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। एंड जिसको मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में दो वीडियो की लिंक दे रखी है मैंने, आप सभी को उन दोनों को देख के आप सिंपली वीडियो मतलब कि बैकग्राउंड को इरेज करना सीख सकते हो। तो यार सिंपली इस वीडियो को जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप आराम से सीख जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी को करना क्या, आप सभी को सिंपली अपने मॉडल को इस तरीके से यहाँ पे ले आना है। ठीक है, तो उसको मैं मॉडल यहाँ पे पहले पहले फुल सेट कर लेता हूँ। बस यहाँ पे मॉडल पूरा फिट हो चुका है। तो गाइस, उसके बाद आप सभी को अगला स्टेप पे करना है, लेयर में जाके एक बार आपको एक लेयर बनानी है। एंड उसका सिंपली आप सभी को कलर पे थोड़ा प्रेस करना है। एंड उसके बाद आपको ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, हल्का येलो एंड हल्का व्हाइट। तो उसके बाद आप सभी को करना क्या, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको इसका एरो का निशान दिख रहा है वहाँ पे एक बार पेंट करना है। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आप सभी को रखना है कि ओवरले। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म में जाके आप सभी को पूरा सेट कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को जहाँ जहाँ ये ऑप्शन दिख रहा है वहाँ वहाँ पे नया नया लेयर बना के आप सभी को सिंपली इस तरीके से कर लेना है। ओके, तो एंड उसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो ओवरले ही रखना है आप सभी को। एंड जो अगर जो आपका एरिया बाहर आ रहा हो उसको ट्रांसफॉर्म में करके आप अंदर कर लेना। तो उसके बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ तक मैं पहले पूरे में चारों एरिया में कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ तक हमारा काम तो हो चुका है डन, तो यहाँ से हम करेंगे सिंपली डन। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद जाना है हमें यहाँ पे ब्यूटी ऑप्शन वाले ऑप्शन में, और ब्यूटी वाले में जाने के बाद जाना है फेस फिक्स में। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा फेस फिक्स का, इस पर जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसके साइज़ को थोड़ा सा ओपेसिटी कम करना है, एंड साइज़ को आप सभी को थोड़ा बढ़ा लेना है। एंड उसके बाद जूम करके आप सभी को सिंपली यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पेंट करना है। ओके, आपको जहाँ जहाँ पे स्मूथनेस चाहिए जो भी है मतलब कि आपको अपने फेस पे, वहाँ वहाँ पे आप सभी को सिंपली इस तरीके से पेंट करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे पेंट कर लेता हूँ। तो सबसे इजी वाला यही ऑप्शन है, तो आप सभी को स्मूथ करने के लिए तो ये ऑप्शन आप सभी को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ से हम सिंपली डन करेंगे। एंड उसके बाद क्या करना है आप सभी को, यहाँ से जाना आप सभी को टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आप सभी को उसकी थोड़ी ब्राइटनेस को बढ़ा देनी है। एंड इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना है। एंड ब्रशेज में जाकर साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेना है। एंड उसका जूम करना है। एंड यहाँ पे आप सभी को अपने फेस पे जहाँ पे डोज एंड वन करना चाहिए आपको वहाँ पे करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं। एंड यहाँ से डन करते हैं। एंड इसकी ओपेसिटी को आपको गाइस अराउंड 4-5 तक रखनी है। ठीक है, तो इतना रख लेते हैं। एंड यहाँ से डन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अभी हम इसको फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। एंड सेव करने के बाद जो इसकी कलर करेक्शन है वो हम करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम फोटो को सेव करते हैं। एंड यहाँ से सेव करने वाले लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। सो लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद ऐड फोटो में जाके हम अपने मॉडल अपने मॉडल एंड इसको फोटो को ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ से हमारे फोटो ऐड हो चुकी है। तो उसके बाद क्या करना है, आप सभी को फोटो को ओपन कर लेना है। फोटो को ओपन कर लेने के बाद आप सभी को जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेना है मतलब बढ़ा देना है। एंड शेडो को कम करना बढ़ा देना है। एंड ब्लैक को आप सभी को कम करना है। ओके, एंड वाइट को बढ़ाना है। एंड जाना नीचे वाले कलर वाले ऑप्शन में। एंड उसका वाइब्रेशन को बढ़ा देना, मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर को लेना है, सैचुरेशन को माइनस करना है। ओके, सो उसके बाद आप सभी को येलो कलर को लेना है, एंड इसकी भी सैचुरेशन को माइनस करना है। एंड ग्रीन कलर को लेना है, उसकी भी सैचुरेशन को माइनस करना है। एंड जो ब्लू कलर है इसकी उसके ह्यू को माइनस एंड सैचुरेशन को माइनस। ओके, सो उसके बाद इतना करना है, डन करना है। एंड नीचे वाले टूल में जाना है। एंड उसके बाद क्लियरिटी को बढ़ा देना है। एंड विग्नेट हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, विग्नेट। एंड उसके बाद ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो के साथ में इसको बढ़ा देंगे। एंड नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद कलर नॉइज़ रिडक्शन भी बढ़ा देंगे। आई होप कि गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।